मित्रों, आज तारीख है 15 अक्टूबर 2022। आज बीसीसीआई ने इंजर्ड जसप्रीत बुमराह जो ऑस्ट्रेलिया गए थे उनको रिप्लेस किया मोहम्मद शमी पेस बॉलर करके। अभी बीसीसीआई ने देखा कि पूरी T20 वर्ल्ड कप के दरमियान जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हो सकते, तो आखिर में बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस किया एज अ मोहम्मद शमी एज अ बॉलर करके। इस टीम में और एक इंजर्ड या तो हाफ फिट प्लेयर है, इसका नाम है हार्दिक पांड्या। 2 साल पहले जब भी हार्दिक की सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद वो फिट हुए, तो बीसीसीआई के चेयरमैन चेतन शर्मा ने उसे कहा कि आप फिटनेस के लिए 3 या 5 दिन का डोमेस्टिक मैच खेलो। लेकिन अब तक हार्दिक ने कोई डोमेस्टिक मैच खेला नहीं है, लेकिन वो आईपीएल और भारत के लिए T20 और वनडे मैच खेल रहे हैं, यानी कि इसके लिए उनका फिटनेस है। अभी हार्दिक पांड्या को बॉलिंग ऑलराउंडर करके T20 वर्ल्ड कप जो अभी ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला है उसके लिए चुना गया है। मालूम नहीं वो बॉलिंग के लिए हार्दिक पांड्या कितने फिट है। अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या एज अ फिफ्थ बॉलिंग ऑलराउंडर करके खेलेंगे, अगर वो बॉलिंग का कोटा अपना नहीं डाल सके या तो बॉलिंग नहीं कर सके, तो पूरा टीम का बैलेंस ढल जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आखिरी 4 टीमें होती है, यानी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई होने के लिए भारत को बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अनफिट जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना, बाद में उसको रिप्लेस करके शमी को रिप्लेस करके लाना, अभी अनफिट या हाफ फिट हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप में खिलाना, और अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं डाल सके तो भारत को लास्ट 4 में या क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई होने के लिए बहुत कठिन होगी। कौन इसको जिले जिम्मेदार, कोई तो होना चाहिए ना।